Good morning. In this video, we will understand the coherent source. What is the meaning of the coherent source? क्या कहता है coherent source या उसका मतलब क्या है, meaning क्या है, sense क्या है? तो सबसे पहली बात है कि हमने यहाँ पे कुछ waves diagram बनाए हुए हैं और इसके हिसाब से हम बात आपको समझा रहे हैं कि coherent source क्या है और इसका importance क्या है, क्यों हम इसको use करेंगे, ठीक है? तो ऐसे में पहले क्लास 11 में वेव्स एंड ऑसिलेशन के जब आप लोग पढ़ रहे थे, वेव्स में हमने देखा था स्टैंडिंग वेव, बीट्स, तो वहाँ भी कुछ कंडीशंस थे और वहाँ पर भी सुपरपोजिशन ऑफ वेव के कंडीशन पे हम लोग बीट्स देखे, स्टैंडिंग वेव्स देखे जहाँ नोड्स एंटी नोड्स का फॉर्मेशन हुआ और वहाँ भी हमने सुपरपोजिशन देखा इन द फॉर्म ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव. आगे अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं ऑप्टिक्स में, दैट इज द इंटरफेरेंस. तो इंटरफेरेंस जानने से पहले हमको उसका कंडीशन जानना होगा कि किस कंडीशन पे इंटरफेरेंस होगा और सस्टेंड या स्टेशनरी फ्रिंजेज बनेगा, स्टेशनरी इंटरफेरेंस होगा. तो ऐसे में सस्टेंड इंटरफेरेंस होने के लिए, सस्टेंड कंडीशन होने के लिए हमको कोहरेंट सोर्स का होना आवश्यक है. तो सबसे पहली बात है कि हम समझें कि व्हाट एक्चुअली इज द कोहरेंट सोर्स. अब देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक सोर्स लिया है, दैट इज द एस इज द सोर्स. ये एस सोर्स जो डायग्राम में आपको बना हुआ है और इससे वेव्स प्रोपोगेट कर रहा है. तो अकॉर्डिंग टू द हाइजेंस प्रिंसिपल कि वेव जब यहाँ पर आएगा किसी पॉइंट पे, दो पॉइंट है यहाँ पे, एस वन ले लिए और यहाँ पे एस टू ले लिए सोर्स, तो यहाँ पर सेम फेज पे यहाँ पे पार्टिकल आ रहा है और एक फ्रंट बना रहा है. तो फ्रंट में एवरी पार्टिकल ऑन द फ्रंट आर क्या है, इज द अनदर सोर्स. वो क्या होता है, अनदर सोर्स होता है. तो ऐसे में S1 और S2 अनदर सोर्स ऑफ द सेम कैरेक्टर होगा. तो S1 S2 दो क्या हो गया, सोर्सेज हो गया जो सेम सोर्स का डॉटर सोर्स कह सकते हैं. मतलब S क्या हो गया, दैट इज द पेरेंट सोर्स. इसको हम लिख सकते हैं पेरेंट सोर्स, पेरेंट सोर्स. तो पेरेंट सोर्स के रूप में एस लिए और डॉटर सोर्स के रूप में हम लोग क्या ले लिए, दैट इज एस वन एंड एस टू ले लिए. लेकिन ये आइडेंटिकल होना चाहिए. तो हमने मान लिया कि दिस सोर्स इज द मोनोक्रोमेटिक सोर्स. ये कैसा है, जो सोर्स आपने लिया है मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है. मोनो मींस सिंगल, क्रोमेटिक मींस कलर. तो एक सिंगल कलर का ये वेव है, इसका कह सकते हैं कलर भी नहीं, इसका मतलब एक फ्रीक्वेंसी, एक वेवलेंथ का, सिंगल फ्रीक्वेंसी और सिंगल वेवलेंथ का ये सोर्स है. तो हम यहां ले सकते हैं कि इट हैज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लेमडा, वेवलेंथ हो गया लेमडा एंड फ्रीक्वेंसी हो गया न्यू. तो सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ का ये दोनों है, आ रहा है वेव्स, आगे बढ़ रहा है. तो यहां पे S1 S2 भी उसी फ्रीक्वेंसी और उसी वेवलेंथ का ये है दोनों, ठीक है, S1 और S2 ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ. तो ऐसे में ये S1 S2 क्या हो गया, दीज टू आर द कोहरेंट सोर्सेज. ये दोनों सोर्स कैसा हुआ, कोहरेंट सोर्सेज हुआ और सेम आइडेंटिकल कैरेक्टर रखता है जो उसका मोनो पेरेंट सोर्स है उसके हिसाब से. S1 S2 आर द आइडेंटिकल सोर्स और कह सकते हैं ट्विन सोर्स भी कह सकते, आइडेंटिकल ट्विन सोर्स है. कहने का मतलब कि सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ का यहां पर प्रोपोगेट कर रहा है. लेकिन इंटरफेरेंस होने के लिए कुछ बातें और है, जैसे सेम फेज पे अगर आता है और सेम फेज पे एट फेज अगर मीट करता है, सुपरपोज करता है. देखो यहां हमने वेव बनाया हुआ है, वेव हम यहां पे बनाए हुए हैं, ये रहा वेव का कैरेक्टर. आप देख रहे हैं कि यहां वेव है, यहां पर भी वेव का कैरेक्टर देख रहे हैं. ये दोनों आप क्या देखें, दैट इज द वेव के रूप में प्रोपोगेट कर रहा आगे की ओर. तो ऐसे में अगर एट फेज मीट करता है तो इट विल मेक ए कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि कंडीशन है इंटरफेरेंस का कि दो सोर्स मस्ट बी कोहरेंट. तो ऐसे में
अब इसका आगे हम जब बात कर रहे हैं तो हमने यहां पे सेम कैरेक्टर लगाया है। देखो यहां पर इसका वेवलेंथ देखो नीचे सेम वेवलेंथ है यहां पर दोनों का, इसका भी और इसका भी। नीचे जो आपने कंसीडर किया दो वेव आप कंसीडर किए, ये दोनों का सेम क्या हो गया वेवलेंथ हो गया, और नंबर ऑफ वेव्स भी आप देख रहे हैं कि सेम है। इसका मतलब बोथ हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, इसके पास भी फ्रीक्वेंसी न्यू ले लेते हैं, इसके पास भी फ्रीक्वेंसी न्यू ले लेते हैं, और ये हो गया S1 सोर्स और ये हो गया S2 सोर्स। अगर ये दोनों सोर्स एक दूसरे से मीट करता है एट फेज, कंडीशन हम ले रहे हैं एट फेज, तो ऐसे में एट फेज में तो ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करेगा। क्या करेगा? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करेगा, इंटरफेरेंस करेगा, ठीक है, सुपरपोजिशन सुपरपोजिशन कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कर रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। तो ऐसे में एट फेज कर रहे हैं मींस इनिशियल फेज डिफरेंस एस कंडीशन पे इनिशियल फेज डिफरेंस कितना हो गया? जीरो हो गया। अब सेम कंडीशन अगर हम यहां पर भी लेते हैं, देखो यहां पर क्या था, पहले केस में क्या आपने लिया कि क्रस्ट क्रस्ट मीट कर रहा था, ट्रफ ट्रफ मीट कर रहा था, क्रस्ट क्रस्ट मीट कर रहा था, ट्रफ ट्रफ मीट कर रहा था, और ऐसे में ये दोनों सुपरपोज अगर करता है, सुपरपोज होता है, इंटरफेरेंस करता है टू बिटवीन द टू सेम कैरेक्टर, तो यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? इनिशियल फेज, इसको हमने क्या लिया है? इनिशियल फेज के रूप में लिया है, ठीक है, दिस इज द इनिशियल फेज, इनिशियल फेज, तो इनिशियल फेज के रूप में जीरो फेज डिफरेंस जो है, इनिशियल फेज डिफरेंस वो क्या है, डिफरेंस जो है वो जीरो है। तो ये बात हम इस केस में कंसीडर कर रहे हैं। अब आगे दूसरे केस में अगर दो कोहरेंट सोर्स आप यहां ले रहे हैं S1 और S2 ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, तो यहां पर भी देखो लेमडा आपने लिया, यहां पर भी इसका यहां से यहां तक एक वेवलेंथ है लेमडा, और फ्रीक्वेंसी भी दोनों का सेम है, बोथ हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फिर सेम फ्रीक्वेंसी है, तो ऐसे में यहां पर डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव कहने का मतलब फेज डिफरेंस तो यहां पर भी आपका इनिशियल फेज डिफरेंस जीरो है, लेकिन क्योंकि आउट ऑफ फेज मीट कर रहा है, तो आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज मीट कर रहा है, दे मेक ए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, क्या बना रहा है, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ब्राइट बैंड बनेगा और यहां पर डार्क बैंड बनेगा, इस कंस्ट्रक्टिव के केस में हम क्या बोल सकते हैं, इट विल मेक ए ब्राइट बैंड, और यहां पर कह सकते हैं ये हो गया ब्राइट बैंड बना रहा है, ब्राइट, ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा, डार्क, क्योंकि यहां पर क्या कर रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, तो स्टैंडिंग वेव बना दे रहा है। लेकिन दोनों ही S1 S2 आप यहां से कंसीडर किए हैं और ये दोनों ही क्या हो गया, कोहरेंट सोर्सेज हो गया। तो अगर हम इस सब बात को समझ रहे हैं तो हम कोहरेंट सोर्स कह सकते हैं। एक और बात समझो कि अगर वेव S1 S2 सेम वेवलेंथ का है, S1 और S2 जो आप यहां पे देख रहे हैं, इसी को हम आगे देख रहे हैं, लेकिन दोनों क्या कर रहा है, विद द पेथ इनिशियल फेज डिफरेंस यहां पर मिल रहा है, डेल्टा इज द इनिशियल फेज डिफरेंस, इन दोनों के बीच में यहां पर डेल्टा जो आ रहा है इनिशियल फेज डिफरेंस है, यहां पर भी देख रहे हैं इनिशियल फेज डिफरेंस है, और ये इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस है ऑफ द सेम वेवलेंथ लैम्डा, सेम वेवलेंथ आप यहां पर ले रहे हैं और यहां भी अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो सेम वेवलेंथ लैम्डा कंसिडर कर रहे हैं, और दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम है, बोथ हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, और लेकिन यहां पर क्या मिल रहा है, दोनों आउट ऑफ फेज या आउट ऑफ फेज नहीं, दोनों क्या कह सकते हैं, फेज डिफरेंस है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी आपका सेम फ्रीक्वेंसी न्यू हो गया, एंड बोथ आर क्या कर रहा है यहां पर, कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट
फेज डिफरेंस डेल्टा इज द कांस्टेंट फेज डिफरेंस. यहां भी डेल्टा बना रहा है, यहां भी डेल्टा कर रहा है और ये हमेशा चलते जाएगा. तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ अगर सुपरपोज करता है तो यहां पर भी तो दोनों ही कंडीशन बन सकता है, माने कंस्ट्रक्टिव भी होगा और डिस्ट्रक्टिव भी होगा. अभी हम लोग इस बात को देखेंगे, समझेंगे. तो हमने सबसे पहला बात कहा कि सोर्स मोनोक्रोमेटिक अगर मूव करता है और वो दो डॉटर सोर्सेज बनाता है और तब वो दोनों के पास सेम कैरेक्टर रहता है एक सोर्स का, ठीक है, तो वैसे में एस जो सोर्सेज डॉटर सोर्सेज बनेगा वो कोहेरेंट सोर्सेज कहलाएगा. S1 S2 आर बिकम द कोहेरेंट सोर्स. तो हम कह सकते हैं द कोहेरेंट सोर्स या इट इज सेड टू बी कोहेरेंट, इट इज सेड टू बी कोहेरेंट if they emit wave of source of same frequency जिसको आप न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं wavelength lambda same frequency same wavelength and are either in phase or having the constant phase difference. देखो यहां पे दिखा रहे हैं either in phase or having the constant phase difference. ठीक है, तो ऐसे में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा. तो अभी आपने समझा वैसे दो वेव को हम क्या कहेंगे, कोहेरेंट सोर्स कहेंगे. बात यहां पर ये उठ रहा है और इसको कई तरह से हम लोग समझाते हैं बताते हैं. ठीक है, अब देखो यहां पर भी ये एक सिंगल स्लिट है, इट इज द सोर्स एस. ये सोर्स एस हो गया ऑफ सिंगल स्लिट. सिंगल स्लिट माने लीनियर फाइन गैप, लीनियर फाइन ओपनिंग. स्लिट का मतलब होता है लीनियर फाइन ओपनिंग. और यहां पर हो गया ये S1 हो गया, ये S2 हो गया. अब इन दोनों से जो वेव मीट कर रहा है तो यहां पर वो एक ब्यूटीफुल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज का फॉर्मेशन कर रहा है. एंड दैट इज ओनली ड्यू टू द कोहेरेंट सोर्स जो अभी आपने पढ़ा. देख क्या S1 S2 क्या है, कोहेरेंट सोर्सेज है. तो ऐसे में ब्राइट डार्क का यहां बैंड बन गया. एंड दिस फेनोमिना इज नोन एज इंटरफेरेंस. यहां कह सकते हैं ये क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है. इंटरफेरेंस क्यों दिखा यहां पर, क्योंकि कोहेरेंट सोर्स आप कंसीडर कर रहे हैं. और ये कैसा है, सस्टेंड इंटरफेरेंस है. मतलब सस्टेंड इंटरफेरेंस मतलब यहां कोई डायनेमिक नहीं है, यहां कोई मूवमेंट या चेंजेस नहीं हो रहा विद द टाइम. टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, ये फिक्स्ड है. तो यहां कह सकते हैं कैसा बना रहा है, सस्टेंड इंटरफेरेंस हो रहा है. ब्राइट डार्क हो गया डार्क हो गया डार्क हो गया लाइक दिस. तो इस तरह से आपके पास क्या बन रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है. और कारण क्या है, तो कोहेरेंट सोर्सेज है. कोहेरेंट सोर्स होने का क्या कंडीशन है, तो सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ और या मीट करेगा आइदर एट फेज और एट द कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस. और ये दोनों बात को आप यहां पर देख रहे हैं. अभी आप ने समझा कि कैसे एट फेज जा रहा है तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, आउट ऑफ फेज जा रहा है मींस दोनों के बीच में क्रस्ट ऑफ मीट कर रहा है तो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, दैट इज द इंटरफेरेंस. और अगर एट फेज फिक्स फेज डिफरेंस का चला आ रहा है तो ऐसे में भी वो कंसिस्टेंट बनाएगा ब्राइट और द डार्क जो भी बनाना है. कंसिस्टेंसी होगा. ब्राइट विल बी
सेम या ब्राइटनेस या डार्कनेस दोनों बोल सकते हैं, ब्राइटनेट, ब्राइटनेस और डार्कनेस विल बी सेम। कंडीशंस को हम लोग समझें और इससे हम जाने कि कोहरेंट सोर्स के कंडीशन के कारण कोहरेंट सोर्स ही सस्टेंड या स्टेशनरी कंडीशन देता है और जिससे हम फ्रिंजेज इंटरफेरेंस को देखते हैं, सुपरपोजिशन का एक पार्ट जिसको इंटरफेरेंस कहते हैं। तो उसमें भी हमने देखा कि अगर इनिशियल फेजेज में दोनों जगह, यहाँ पर भी इनिशियल फेज जीरो है और यहाँ पर भी इनिशियल फेज डिफरेंस जो आप ले रहे हैं, इनिशियल फेज डिफरेंस डेल्टा जो आपने लिया है वो यहाँ पर भी जीरो है, तो ऐसे में ये कंडीशन को हम लोग समझे और दैट इज द कोहरेंट सोर्स। ये क्या हुआ? कोहरेंट सोर्स हुआ। अब बात उठ रहा है कि कोहरेंट सोर्स के लिए हम क्या क्या बात कर सकते हैं या सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या बात कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि कंडीशन फॉर द कोहरेंट जो होना चाहिए, पहला बात यहां हम लिख रहे हैं कंडीशन, कंडीशन फॉर कोहरेंट, कंडीशन फॉर कोहरेंट जो देख रहे हैं क्या है, पहला बात आप यहां पर लिख रहे हैं दे आर कंटिन्यूअसली इमिट वेव्स, लगातार उसमें वेव होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, लगातार वाइब्रेट करते हुए वेव्स निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पल्स आया या एक वेव आया उसके बाद नहीं, तो ऐसे में क्या है कि आपको फिनोमिना इंटरफेरेंस का नहीं मिलेगा। तो यहां लिख सकते हैं दे कंटिन्यूअस continuously emit emits wave of same frequency। और अभी हमने बात किया कि सेम फ्रीक्वेंसी और फेज भी आपका कांस्टेंट हो या एट कांस्टेंट फेज डिफरेंस पे हो, तो ये बात को हम लोग सेकंड में ले सकते हैं। यहां पर सेकंड कंडीशन आप देख रहे हैं आइदर इनिशियल फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल टू जीरो और डेल इज इक्वल टू कांस्टेंट फेज डिफरेंस और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो ये कंडीशन आपने देखा, दो कंडीशन क्या करने के लिए, इंटरफेरेंस का सस्टेंड होने के लिए, कोहरेंट कंडीशन में होने के लिए कि सेम फ्रीक्वेंसी का होगा, कंटिन्यूअस इमिट करेगा और दोनों फेज डिफरेंस होगा। तो जो बात हमने ऊपर डिफिनेशन में लिखा उसी को आप इस तरह से भी समझ रहे हैं। अब यहां पे बात कर रहे हैं कि कैसे हम समझेंगे कि वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रहा है और किन किन कंडीशन पे हम इस बात को फॉलो कर सकते हैं। तो देखो हम यहां पर एक फेनोमिना तैयार कर रहे हैं इंटरफेरेंस का और उसके हिसाब से हम बात करेंगे यहां पे। तो सपोज करो कि एस वन एस टू आपका क्या है, दो पॉइंट है और इसको हम यहां मिटा देते हैं, ठीक है, दिस इज द, यहां मिटा दे रहे हैं और कुछ पार्ट को रहने देते हैं। तो ऐसे में कंडीशन को फॉलो करेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव के केस में, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्टिव होने के लिए अब यहां पर मान लो हमने दो सोर्स लिया है और ये दो सोर्स किसी एक पॉइंट पे मीट करता है, ठीक है, यहां पे, यहां हमने बना लिया इंटरफेरेंस का कंडीशन बना रहे हैं। ये सपोज करो कि पी पॉइंट पे क्या आएगा, तो सबसे पहले सेंटर पे जो आप देख रहे हैं दोनों फेज एट फेज मीट कर रहा है, तो यहां पे सेंटर पे क्या हुआ, ब्राइट बनेगा, ब्राइट बैंड बनेगा और इसके बाद कंस्ट्रक्टिव होता है कि डिस्ट्रक्टिव होता है, तो यहां से एक वेव मूव कर रहा है और यहां से भी एक वेव मूव कर रहा है, तो इधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है दोनों वेव, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या बनेगा, तो कंस्ट्रक्टिव के कंडीशन के लिए हम यहां दिखा रहे हैं पहले, ठीक है, फर्स्ट पहला कंडीशन हम दे रहे हैं कंस्ट्रक्टिव के लिए और बाकी सबको यहां से देखो कंस्ट्रक्टिव के केस में
दो कोहरेंट सोर्स आपने लिया है, S1 S2 इज द टू कोहरेंट सोर्स, दे मीट, देखो कहां पे मीट कर रहा है, पी पॉइंट पे मीट कर रहा है और सेंटर पे मीट कर रहा है। जब वो फेज पे है, सेम फेज पे है, तो ऐसे में यहां से एक वेव्स जनरेट किया, ये इस पॉइंट पे मीट किया, यहां पर भी वेव आ रहा है, यहां पर भी वेव आ रहा है, तो पहला ओ सेंटर मैक्सिमा है। अब कंस्ट्रक्टिव के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और आपने देखा अभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपने देखा S1 S2 क्या है, तो टू कोहरेंट सोर्सेज है, ठीक है, S1 S2। तो यहां पर कंस्ट्रक्टिव होने के लिए कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन है, तो सबसे पहली बात हम लोग फेज डिफरेंस जो लेते हैं, इनिशियल तो आपने जीरो रखा है और फेज डिफरेंस हमारे पास कितना है, टू पाई का फेज डिफरेंस, या एन टर्म्स तक ले सकते हैं तो 2n पाई कर सकते हैं, 2n पाई, दैट इज द फेज डिफरेंस हमारे पास है 2n पाई। और इसी को हम अगर पाथ डिफरेंस के साथ लेते हैं तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय लेमडा इन टू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। तो कंस्ट्रक्टिव होने के लिए एक कंडीशन बनता है, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया, तो ऐसे में दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें तो ऐसे में हमारे पास कितना आएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लेमडा। और ये किसके लिए फेनोमिना बना, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बना, एन लेमडा मींस हर अगर एन का वैल्यू आप क्या लिख रहे हैं, 1 2 3 करके बढ़ जा रहे हैं, अगर ऐसे कंडीशन पे है, सेंटर पे तो मैक्सिमा है ही, तो 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा पे आपको ब्राइट बैंड बन रहा है। और ये क्या कंडीशन बनाया, फॉर द ब्राइट बैंड, ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हो गया। इसी तरह अगर हम आगे जाते हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखेंगे तो 2n plus 1 pi y बनेगा, तो ये इसको भी अगर हम समझे, इसको हम मिटा देने अभी और इसी इस जगह पे डिस्ट्रक्टिव को देख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बात करते हैं तो ऐसे में हमारे पास क्या रिलेशन होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको हम लोग समझ रहे हैं, फिर डेल्टा फाई इज इक्वल टू हो गया 2n plus 1 pi, और ये रिलेशन डेल्टा फाई इज इक्वल टू फिर इसी तरह लिख रहे हैं 2 pi by lambda into delta x। दोनों ही कंडीशन हमारे पास क्या है, इनिशियल फेज डिफरेंस को जीरो माने हैं, तो ऐसे कंडीशन पर यहां पर इन दोनों को अगर हम लिखते हैं तो डेल्टा x इज इक्वल टू हो गया 2n, यहां से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा इक्वेट करोगे तो, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर ए और बी को अगर आप इक्वेट करते हैं तो ऐसे में आपके पास आ जाएगा 2n plus 1 lambda by 2, और ये डिस्ट्रक्टिव का केस बन गया, ठीक है, फॉर डार्क बैंड, ठीक है। तो अब यहां पे ये दोनों कंडीशन को हम कैसे, कोहरेंट कंडीशन होने के लिए 3 केसेस हम देख सकते हैं, तो ऐसे में सस्टेंड कंडीशन क्या आएगा, तो यहां लिख दे रहे हैं सस्टेंड कंडीशन, और सस्टेंड कंडीशन के लिए केस वन यहां देखते हैं, तो पहला केस तो आप यही ले रहे हैं कि जब आपके पास फेज डिफरेंस है ड्यू टू द पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस किस पे बन रहा है, ड्यू टू द पाथ डिफरेंस, आप दोनों ही में ब्राइट और डार्क में, और इनिशियल फेज आपने क्या लिया है, जीरो लिया है, तो ऐसे में, और सेम कोहरेंट सोर्स है तो फ्रीक्वेंसी new1 = new2 = new, सेम फ्रीक्वेंसी है, इसको आप ओमेगा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओमेगा 1 = ओमेगा 2। और दूसरा कंडीशन क्या आपने लिया, दैट टू आर इन द सेम इनिशियल फेज, सो इनिशियल फेज इज इक्वल टू जीरो, तो ऐसे में ये डेल्टा जीरो आपने यहां लिखा है, दिस इज द इनिशियल फेज, ठीक है, तो ऐसे में आपके पास जो कंस्ट्रक्टिव बनेगा वो सेम इसी तरह कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का कंडीशन बनेगा, सुपरपोजिशन बोलो या इंटरफेरेंस बोलो, क्योंकि ये इंटरफेरेंस का कंडीशन है कोहरेंट सोर्स का होना,
ठीक है, तो ऐसे में ये बात हमको मिला। अगर हम केस टू लेते हैं, केस टू में देखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि यहां पर अगर हम पाथ डिफरेंस ले रहे हैं, जो आपने देखा यहां पर फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस नहीं, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस तो है ही, साथ में फेज डिफरेंस डेल्टा है। ये यहां पर कंडीशन ले रहे, थर्ड कंडीशन, दो कंडीशन का तो आपने पहला वाला देख लिया। तो ऐसे में न्यू वन बराबर न्यू टू तो है, दैट इज द केस ऑफ द कोहेरेंट सोर्स, और लेकिन डेल आपका कॉन्स्टेंट है, डेल कांस्टेंट डिफरेंस है, कांस्टेंट डिफरेंस है। और ये डिफरेंस कितने का है, तो ये डिफरेंस कह सकते हैं मान लो सपोज पाई और जीरो का है, और ये कांस्टेंट पर इनिशियल फेज का मतलब क्या हुआ कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन हो गया कि पहले आपने क्या लिया था, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो लिया था, डेल्टा क्या है तो इनिशियल फेज, इसको क्या कहते हैं, इनिशियल फेज। तो ऐसे में अब फिर हमको यहां मिल रहा है कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू, दैट इज ड्यू टू द पाथ डिफरेंस और इनिशियल फेज। तो हम कह सकते हैं 2n पाई प्लस पाई ये क्या देगा, तो इस कंडीशन पे जो आपने पहला कंडीशन लिया था फाई इज इक्वल टू 2n पाई, तो उसके जगह पे अगर देख रहे हैं तो ये हमेशा आपको कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा फॉर कंस्ट्रक्टिव कंडीशन। और अगर डेल फाई इज इक्वल टू आप लेते हैं 2n प्लस 1 पाई, दैट इज द कंडीशन फॉर द पाथ डिफरेंस एंड इनिशियल फेज डिफरेंस प्लस पाई कर दिए, तो ये किसके लिए हो गया, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव हो गया। इसको अभी हम पाई लेकर के बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे जो डिफरेंस आपने लिया कांस्टेंट का वो पाई है, तो दोनों ही बात आप यहां से इन दोनों रिलेशन से देख रहे हैं, यहां पर ये रिलेशन आ गया, ठीक है, तो इस दोनों रिलेशन से आप कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव देख रहे हैं। लेकिन अगर डायनेमिक है, टाइम के साथ इनिशियल फेज चेंज कर रहा है, इनिशियल फेज चेंज कर रहा है, केस थ्री, केस थ्री में बात कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी सेम है, न्यू वन इज इक्वल टू न्यू टू, आप ओमेगा वन ओमेगा टू भी लिख सकते हो, और लेकिन डेल इनिशियल फेज चेंज कर रहा है विद द फंक्शन ऑफ द टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, और रैपिडली चेंज कर रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे हम फेज डिफरेंस कितना लिखेंगे, तो डेल्टा फेज डिफरेंस जो आप लिख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ द मीन्स इनिशियल फेज में चेंज विद टाइम प्लस, क्योंकि हम इसका रिलेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, के डेल्टा एक्स, मतलब पाथ डिफरेंस भी आपका हो गया, ये हो गया इनिशियल फेज और डिफरेंस, और ये हो गया पाथ डिफरेंट, कांस्टेंट पाथ डिफरेंस, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट पाथ डिफरेंस, ठीक है। और ये क्या हो गया, इसको हम क्या लिख रहे हैं, इसको बोल सकते हैं इनिशियल फेज, इनिशियल फेज डिफरेंस। तो ऐसे में दोनों में क्या चेंजेज हो रहा है, दोनों को ऐड करेंगे, तो अगर हम कंडीशन मान लेते हैं कि ये जो फेज डिफरेंस यहां पर आ रहा है, देखो यहीं पर लिख दे रहे हैं कि डेल इज इक्वल टू आइदर जीरो या पाई बनाता है, सपोज करो कि जीरो और पाई बनाता है, तो अगर जीरो बनाता है तो वो कंस्ट्रक्टिव कंडीशन बनाएगा, क्योंकि जीरो जब बनाएगा तो आप यहां पर जीरो लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, जो फंक्शन का के एक्स आएगा वो आपका कॉन्स्टेंट हो जाएगा, वो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव। और अगर पाई लिखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव। और इस तरह हम लोग बात कर रहे हैं कि केसेस देख करके कि कोहेरेंट सोर्स का होना, कोहेरेंट सोर्स माने सेम फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस, और फेज का कांस्टेंट फेज होना या कांस्टेंट फेज डिफरेंस पे होना, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। तो ऐसे में दो वेव अगर कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, कोहेरेंट सोर्स कहेंगे। अब बात उठ रहा है कि कैसे कैसे कोहेरेंट सोर्सेज को हम लोग देखते हैं, तो पहला केस तो आप देखें स्प्लिटिंग ऑफ द स्लिट, स्लिट का स्प्लिट करना, या स्प्लिटिंग ऑफ द सोर्स, सोर्स का स्प्लिट करना, और कैसा सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, ठीक है, डाइक्रोमेटिक या पॉलीक्रोमेटिक नहीं लेंगे, क्योंकि वहां पर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगा और वहां पे कोहेरेंट सोर्स नहीं बनेगा। ये एक प्रश्न भी आता है कि क्या दो बल्ब ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, ऑफ द सेम कैरेक्टर, ऑफ द सेम पोटेंशियल, सभी चीज में सेम अगर आप कंसीडर करते इंडिविजुअल टू बल्ब्स, देन इट विल गिव द कोहेरेंट सोर्स, नो। There is the reason. Reason is the atomic reason. Atomic reason means there is the way of
excitation and transition of electron from one level to another level. And every other electrons never be the same excitation or same transition. कूदेगा भी नहीं. तो ऐसे में जो waves generate करता है वो number of waves क्या होगा, वो different frequencies का हो जाएगा. हाँ, mean और average frequency बराबर हो सकता है, वो बात अभी हम लोग deal करेंगे, अभी समझेंगे. लेकिन पहले क्या क्या कंडीशन, कैसे हम लोग वे क्या क्या है जिससे हम कोहेरेंट सोर्स पाते हैं. तो पहला वे तो आप देख रहे हैं, दैट इज द स्प्लिटिंग ऑफ द सोर्स, सोर्स को स्प्लिट करना. तो हम यहां लिख दे रहे हैं वेज, वेज टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्स. कोहेरेंट सोर्स को पहला जिसमें आता है, नंबर वन पहला हो गया स्प्लिट, स्प्लिटिंग ऑफ सोर्स, सोर्स का स्प्लिट करना. दैट इज जो आपने अभी देखा, एस को हमने स्प्लिट किया, एस वन एस टू, एंड दैट मीन्स डिविजन ऑफ वेव फ्रंट. वेव फ्रंट को दो पार्ट में ले आए, एक डिविजन में आ गया एस वन, दूसरा में आ गया एस टू. तो डिवीजन आप देख रहे हैं, और इसका ये पहला कंडीशन हो गया. दूसरा कंडीशन में हम लिख सकते हैं, दैट इज द सेकेंड लॉर्ड्स मिरर भी ले सकते हैं, जहां पे रिफ्लेक्शन मेथड से आप बात कर रहे हैं. और तीसरा हम लोग लिख सकते हैं फ्रेजनर्स. तो पहले मान लो हम फ्रेजनर्स, फ्रेजनर्स बाइप्रिज्म, फ्रेजनर्स बाय प्रिज्म के बारे में जब हम करते हैं, तो ये रिफ्रैक्शन मेथड से हम कोहेरेंट सोर्स को प्राप्त करते हैं, बाय रिफ्रैक्शन मेथड, रिफ्रैक्शन वे. ठीक है, रिफ्रैक्शन क्योंकि आपने बाय प्रिज्म लिया, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, बाय प्रिज्म, तो प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होगा. तो रिफ्रैक्शन मेथड से हम लोग यहां पर कोहेरेंट सोर्स को पाएंगे. थर्ड क्या है कंडीशन कोहेरेंट सोर्स को लेने के लिए, वे निकालने के लिए, लॉर्ड्स कहते हैं, लॉर्ड्स मिरर. दैट इज लॉर्ड्स मिरर क्या कहता है, रिफ्लेक्शन किस मेथड से होगा, रिफ्लेक्शन वे से, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के वे से होगा. ठीक है, इसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, समझेंगे. और लास्ट हो गया डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड के डिवीजन पे भी बात करते हैं, जो आपको पढ़ना था पहले, बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड. और इस डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के तहत हम लोग कलर ऑफ द थिन फिल्म देखते हैं, कलर ऑफ द थिन फिल्म. और दूसरा कॉमनली न्यूटन्स रिंग होता है. तो कलर ऑफ द फिल्म तो आपको पढ़ना है, और जो स्प्लिटिंग में आता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी आप देख सकते हैं. स्प्लिटिंग के केस में जो एग्जांपल है वो क्या है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, अभी हम बात करने जा रहे हैं. इतना सब कुछ तो हमने कंडीशन देखा, इसको बढ़िया से देख लो. तो हम यहां बात करेंगे कि दो आइडेंटिकल, टू आइडेंटिकल सोर्स नेवर बी द कोहेरेंट. ठीक है, क्यों, वाई. तो अब इस बात को हम यहां मिटा रहे हैं. देखो, टू आइडेंटिकल सोर्स नेवर बी द कोहेरेंट, इसको अभी समझ रहे हैं. और कोहेरेंट होने का पर्पस क्या है, ये भी हम यहां लिख सकते हैं. पहले तो हम यही बात लिख रहे हैं कि वाई वी कंसीडर द कोहेरेंट सोर्स. तो सबसे पहली बात है, इट विल गिव द, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कोहेरेंट सोर्स. कोहेरेंट सोर्स का वो इंपॉर्टेंस है, क्या है, कि ये हमको सस्टेन और स्टेशनरी कह सकते हैं, स्टैंडिंग कह सकते हैं, सस्टेन इंटरफेरेंस देता है. कौन, कोहेरेंट सोर्स. तो इंपॉर्टेंस ऑफ कोहेरेंट सोर्स, सोर्स ये क्या है, पहला बात कि इट इज द इंपॉर्टेंस फॉर द इंटरफेरेंस, फॉर इंपॉर्टेंस फॉर इंटरफेरेंस. अब क्यों ऐसा है, तो सेकेंड बात में आप लिख सकते हो कि इट विल गिव द, इट विल
प्रोड्यूस, क्या देता है, प्रोड्यूस क्या करता है, तो सस्टेंड या स्टेशनरी, सस्टेंड और स्टेशनरी इंटरफेरेंस। हम लोग जानते हैं इंपॉर्टेंस है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सस्टेन इंटेंशन और स्टेशनरी कंडीशन आता है इंटरफेरेंस का। और थर्ड बात हम इसमें कह सकते हैं कि वी विल ऑब्जर्व द फ्रिंजेस, वी विल ऑब्जर्व एवरी कैलकुलेशन बाय दिस सस्टेन इंटरफेरेंस। इसी के कारण, कोहरेंट के कारण, इट विल गिव द कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन, कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन। तो ये तीन कंडीशन हमको इंपॉर्टेंस करता है कोहरेंट का। अब हम उस क्वेश्चन में जा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। यहां पर पहला क्वेश्चन क्या है कि टू आइडेंटिकल बल्ब्स या टू आइडेंटिकल सोर्स नेवर बी कोहरेंट। टू आइडेंटिकल सोर्स या सोर्सेस आर नेवर बी कोहरेंट। क्यों नहीं है, तो ये सिंपल बात है। अभी यहां पर हम देख रहे हैं, हम इसको मिटा दे रहे हैं और इस बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्यों ऐसा है, तो क्योंकि यहां पर समझो बात को कि लाइट का निकलना, रेडिएशंस का होना, ये एक एटॉमिक रिलेशन है। जब एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से या हायर एक्साइटेशन ऑर्बिट से, कह सकते हैं पहले तो क्या हुआ, एक्साइट कर गया, और उसके बाद जब वो जंप करता है इलेक्ट्रॉन, ऑन दैट केस इट विल रेडिएट। और लाइट कह सकते हैं, रेडिएशन कह सकते हैं, रेडिएशन या लाइट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मेशन करता है। लेकिन अब यहां पर बात उठ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन तो किसी एटम में नहीं, या मिलियंस ऑफ एटम्स एक जगह है, तो ऐसे में कि अगर यहां पर हम देखेंगे दो अलग अलग कंडीशन अगर आप लेते हो, तो दोनों का मिलियंस ऑफ एटम्स मींस मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड, और वो एक्साइटेशन जो हो रहा है वो सभी में अलग अलग वैल्यू का हो रहा है। तो ऐसे में जब वो ट्रांजिशन करता है या जब वो जंप करता है अपने नॉर्मल स्टेट में, क्योंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द बोर्स सभी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहता है, है ना, तो उसको अपने ऑर्बिट में आना है, तो ऐसे में वो क्या करेगा कि रेडिएशन करेगा। बट एवरी इलेक्ट्रॉन्स हैव द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रेडिएशन, और एवरेज अगर हम लेते हैं तो एवरेज में वो दोनों बराबर हो सकता है, एवरेज मीन वैल्यू। तो हम यहां पर मान लो दो बल्ब ही, दो एटॉमिक कैरेक्टर लेते हैं मान लो, और इसमें भी हम दिखा रहे हैं वही चीज को एक्साइटेशन के बाद, तो यहां से भी दोनों बाय द एवरेज दोनों सेम हो सकता है। बट अगर हम किसी एक पर्टिकुलर के बारे में बात करें तो इट नेवर बी द इक्वल बाय द टू सोर्सेज। ये हो गया S1 सोर्स, ये हो गया S2 सोर्स, दोनों के द्वारा ऐसा नहीं होगा। ये एटम हो गया, एटम में इलेक्ट्रॉन्स है, और एटम्स में नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मिलियंस ट्रिलियंस मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स मिलियंस ऑफ एटम्स, मिलियंस ऑफ एटम्स, तो ये सभी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साथ है, कोई भी एक दूसरे के साथ कभी भी मैच नहीं करेगा, ये प्रोबेबिलिटी जीरो के बराबर है। तो इसलिए दो आइडेंटिकल सोर्स नेवर बी द कोहरेंट, वो कभी कोहरेंट नहीं होगा। उसके लिए आपको एक ही सोर्स से लेना है, चाहे जिस मेथड से ले, जिस मेथड का मतलब एक तो आपने यहां देखा मान लो, दूसरा भी हम आपको दिखा रहे हैं मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपने देखा कि रिफ्लेक्शन का केस अगर है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के केस में हम क्या देखते हैं कि एक सोर्स है, दूसरा उसके साथ है लॉर्ड्स मिरर लगा दिए, तो वहां से वो दूसरा सोर्स बन गया, तो ऐसे में वो कोहरेंट सोर्स हो गया। जैसे मान लो ये सोर्स है और यहां से वेव प्रोपोगेट कर रहा है इस जगह पे, ठीक है, और हमने यहां पे एक लॉर्ड्स मिरर लगा दिया, तो यहां से ये टकराया, और यहां से टकराने के बाद फिर इधर चलाया, यहां से भी ये आ रहा है, और ये भी वेव आ रहा है यहां से, और दोनों वेव यहां पर, तो ये हो गया S1, ये हो गया S, और ये हो गया S1, तो ऐसे में ये दो सोर्स का फॉर्मेशन हो गया।
तो रिफ्लेक्शन मेथड हो गया, लॉर्ड्स मेथड हो गया, यहां से भी वेव आगे की ओर प्रोपोगेट कर रहा है और दोनों एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो यहां पे इंटरफेरेंस होगा चाहे जो भी कंडीशन आप लेते हैं। ऐसे देख सकते हैं सोर्स को, अगर आप यहां यहां लगा देते हैं, मान लो यहां पर भी मिरर लगा हुआ है, यहां ऐसे है तो ये यहां से टकरा करके इधर गया, यहां से टकरा करके इधर गया, तो ऐसे में भी ये दो सोर्स के रूप में S1 और S2 हो गया, ये हो गया S, मेजर सोर्स हो गया, पेरेंट सोर्स हो गया। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं, मान लो हमने यहां पे बीच में स्लिट लगा दिया, ये स्लिट है ठीक है, तो इधर का तो नहीं लिए, यहां से S1 और यहां से S2 जा रहा है, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन मेथड। इसी तरह आप बात कर रहे हैं किस में, बाइप्रिज्म में, माने फ्रेजनल्स के केस में, तो एक ही सोर्स का दो पार्ट अगर हम करते हैं तभी हमको कोहरेंट सोर्स मिलता है। सो ये था ऑल अबाउट द कोहरेंट सोर्स एंड द सुपरपोजिशन ऑफ वन टाइप इज द इंटरफेरेंस। इसको देख लो बढ़िया से, तो अगले टॉपिक में, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो थ्रू द इंटरफेरेंस, बेसिक थ्योरी ऑफ द इंटरफेरेंस एंड अदर फिनोमिनाज, इंटेंसिटी, इनर्जी लेवल एंड एवरी अदर्स। ठीक है, टिल दैट गुड लक टू ऑल ऑफ यू।